31 दिसंबर आने में सिर्फ और सिर्फ दिन का समय ही बाकी है। साल खत्म होने वाला है, इसके साथ ही कई कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। अगर आपने भी अपने ये काम नहीं निपटाए हैं तो आज ही खत्म कर ले। UPI ID से लेकर DMAT अकाउंट तक कई कामों की डेडलाइन 31 तारीख है। आइए आपको बताते हैं कि 31 दिसंबर से पहले आपको किन कामों को निपटाना है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके पास में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन करने की समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया था। अगर आप ये काम नहीं निपटाते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं तो 31 तारीख आपके लिए काफी जरूरी है। NPCI की तरफ से जानकारी देकर बताया गया है कि जो भी यूजर अपनी UPI ID का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आपने पिछले एक साल में अपनी UPI ID का इस्तेमाल नहीं किया है तो वो इनएक्टिव हो जाएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक जिन भी ग्राहकों के पास बैंक में लॉकर है उन सभी को संशोधित लॉकर एग्रीमेंट जमा करना होगा। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है। बैंक जाकर ग्राहकों को अपडेटेड एग्रीमेंट जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको अपना लॉकर खाली भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, इसके अलावा SBI की अमृत कलश स्कीम का फायदा भी आप सिर्फ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। इसके बाद में आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। ये 400 दिन की FD योजना है। इसमें ग्राहकों को बैंक की तरफ से 7.6% की दर से ब्याज का फायदा मिलेगा। आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 जुलाई थी, लेकिन जिन भी ग्राहकों ने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया था वो अब 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं, नहीं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। आप 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसी तरह ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ खबर 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।